स्टूडेंट्स, मैं आपके 12वीं कक्षा का शिक्षक मनीष कुमार आज अर्थशास्त्र विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में आपने राष्ट्रीय आय की अवधारणा पढ़ा, आज के क्रैश कोर्स की कक्षा में आप राष्ट्रीय आय की माप पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय की माप कितने प्रकार से की जाती है। जब राष्ट्रीय आय की माप की हम बात करते हैं तो इससे पहले ये चीज जानना है, इसमें दिमाग में रखना है कि उत्पादन, आय और व्यय, ये तीनों परस्पर संबंधित क्रियाओं को, ये तीनों क्रियाएं जो है, उत्पादन है, आय है, व्यय है, ये तीनों क्रियाएं आपस में परस्पर संबंधित है और इन तीनों क्रियाओं को मापना अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जब हम तीनों प्रवाहों को अलग अलग मापते हैं, ध्यान दीजिए, चाहे हम उत्पादन को माप लें, आय को माप लें या व्यय को माप लें, तो ये राष्ट्रीय आय के माप हो जाते हैं। यानी उत्पादन को माप लें तो एक मेथड निकल जाएगा, उत्पादन विधि, आय को माप लें तो दूसरा मेथड निकल जाएगा, आय विधि, और व्यय को माप लें तो तीसरा व्यय विधि। आप सोच के भी देखें, एक उत्पादक उत्पादन करता है, उत्पादन जो करता है वही उसका इनकम है, क्योंकि उस उत्पादन का बिक्री मूल्य के बराबर उसका आय होता है, और उत्पादन करने में जो साधनों को वो जो है कीमत देता है वो साधनों की आय बन जाती है, तो वो उत्पादन मूल्य के हिसाब से ही साधनों को कीमत देता है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एक देश के प्रत्येक लोग जो व्यय करते हैं वही एक दूसरे की आय होती है, एक का व्यय दूसरे की आय होती है। तो या हम आय पक्ष से ले या व्यय पक्ष से ले, बात वही ठहरती है। हम ये समझे कि यदि ए ने 10 रुपया खर्च किया और बी से कोई सामान लिया तो ए का व्यय 10 रुपया तो बी की आय 10 रुपये। तो राष्ट्रीय आय को हम आय पक्ष से ले, व्यय पक्ष से ले, उत्पादन पक्ष से ले, तीनों दशाओं में राष्ट्रीय आय की गणना हो जाती है। इस कारण राष्ट्रीय आय की गणना की 3 विधियां हैं, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। यहां हमने नोट्स में डाल दिया है उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो सबसे पहले उत्पादन विधि के बारे में समझ लें 2 मिनट में। उत्पादन विधि में किसी देश में 1 वर्ष के अंदर उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जोड़ा जाता है। 3 कंडीशन याद रखिएगा, एक देश के लिए यह बात है, राष्ट्रीय आय की गणना किसी देश के लिए हम करेंगे। ड्यूरेशन क्या होगा, तो 1 साल 1 वर्ष के लिए, ठीक है, और जैसे भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, और इसमें जितने भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, कौन से वस्तुओं और सेवाओं, वो तीसरा शर्त में है। इसमें अंतिम वस्तुओं की गणना होती है, अंतिम वस्तुओं की गणना मतलब जो फिर उत्पादन में भागीदार नहीं बने, यानी मध्यवर्ती वस्तु नहीं। जैसे कपड़ा बनाने के लिए धागा, तो धागा की गणना नहीं होगी, बल्कि फाइनल जो कपड़ा तैयार होगा उसकी कीमत की गणना होगी। तो अंतिम वस्तुओं की जो है मौद्रिक मूल्य की गणना या उसका योग जो हम करेंगे वो राष्ट्रीय आय होगी। आय विधि के अंदर क्या है, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के 4 साधन आप मान के चलते हैं और चारों साधनों को रेम्यूनरेशन के रूप में लगान, मजदूरी, लाभ और ब्याज दिया जाता है। तो ये साधन की आय हुई और इतने ही प्रकार के लोग हैं, इतने ही प्रकार के उत्पादन करने वाले लोग होते हैं, तो इन चारों साधनों की आय को यदि हम जोड़ दें तो वो राष्ट्रीय आय कहलाएगा, क्योंकि यही चार तरह के आय प्राप्त करने वाले लोग ही हैं, तो सारे लोगों की आय जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय आय ही होगी। तो 4 ही प्रकार के लोग हैं तो चारों प्रकार के आय को हम जोड़ देते हैं, राष्ट्रीय आय हो जाती है। व्यय विधि के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं पर किए गए व्यय के प्रवाह को मापती है, यह हमें अर्थव्यवस्था के उपभोग, बचत और निवेश के व्यवहारों को समझने में, हम व्यय कहां करते हैं यह ध्यान दीजिए, तो जो है उपभोग पर व्यय करते हैं और निवेश पर व्यय करते हैं, तो उपभोग और निवेश के व्ययों का योगफल हमारा जो है राष्ट्रीय आय कहलाएगा, ठीक है। अब ये तीनों को हम अलग अलग जो है मेथड से देखेंगे। कहा गया है कि इन तीनों विधियों से राष्ट्रीय आय के मापन के लिए अलग अलग आंकड़ों की आवश्यकता होती है, तीनों से अलग अलग आंकड़ों की आवश्यकता होती है। एक में वस्तु के उत्पादन को हम देखेंगे कि कितने क्वांटिटीज है और प्रत्येक क्वांटिटीज का जो ग्रुप्स है उनका कितना कीमत है जो है पर यूनिट। दूसरे में हम देखेंगे कि विभिन्न उत्पादन के साधनों की आय कितनी है, उन आयों को जोड़ेंगे। और तीसरे में देखेंगे कि कंजम्पशन कितना है और इन्वेस्टमेंट कितना है। तो सबके लिए अलग अलग आंकड़े चाहिए। अब
ये इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद कुल उत्पादन को जानना है, हमारा मकसद वितरण में, राष्ट्रीय आय के वितरण में किसी खास वर्ग का हिस्सा को जानना है कि उचित हिस्सा मिल रहा है या नहीं। कहने का मतलब मजदूरों को मजदूरी सही मिल रही है कि नहीं, साहसी को लाभ सही मिल रहा है कि नहीं, ये जानना है, या क्या मिल रहा है, क्या प्रोग्रेस है इसमें, यह जानना है तो हम आय विधि को लेंगे। और अगर हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की स्थिति को जानना चाहते हैं तो हम व्यय विधि को लेंगे। तो अब जो हमारे पास जो लक्ष्य है उसके अनुसार हम आंकड़े उपलब्ध करते हैं और मापने के उद्देश्य के अनुसार यह होता है। अब यहां एक सवाल आएगा, दोहरी गणना क्या है? दोहरी गणना, जैसा कि आपने कहा कि राष्ट्रीय आय को ज्ञात करने में हम अंतिम वस्तुओं का जो है मूल्य को हम जोड़ते हैं, मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य को हम नहीं जोड़ते हैं। अब इसमें क्या है, व्यवहार में यह जानना कठिन हो जाता है कि अंतिम उत्पाद क्या है। जैसे आप समझिए, मान लेते हैं कि रेडीमेड कपड़े का उत्पादन हुआ, तो रेडीमेड कपड़े के उत्पादन की शुरुआत कहां से हुई? सबसे पहले कपास, किसान ने कपास उपजाया, कपास से फिर धागा बना, धागे की रंगाई हुई, रंगाई करके फिर धागे से कपड़ा बना, और कपड़ा बनने के बाद जो है उसका रेडीमेड गारमेंट्स बना। अब कपास की भी कीमत होगी, धागा की कीमत होगी, कपड़े की कीमत होगी। अब हम अगर कपास की कीमत जोड़े, मान लेते हैं कपास की कीमत 100 रुपया, धागा की कीमत 100 रुपया, रंगाई की कीमत 100 रुपया, कपड़े की कीमत 100 रुपया, और फाइनल कपड़े की कीमत 500 रुपया, तो ये सब कीमतों को जोड़ देंगे तो सब तो दो बार तीन बार काउंट होते चले जाएंगे ना, तो ये दोहरी गणना की समस्या होगी। आखिर फाइनल गुड्स तो 500 तबे हुआ ना जब उन सबों का प्रत्येक स्तर पर जो मेहनत करने वाले थे उनकी मेहनताना को जोड़ दिया गया था, यानी किसान के कपास का मेहनताना 100 रुपया था तो वह कपास की कीमत 100 रुपये रखा, वहां से धागा बना तो धागा वाला का मेहनताना 100 रुपया था, यानी वो जो है 100 रुपये के बराबर उत्पादन किया, तो धागे की कीमत कितनी हो गई 200, 100 रुपये कपास का और धागे का 200। अब अगर हम मान लेते हैं कि धागा ही अंतिम वस्तु है, सपोज दैट, तो धागा का भी 200 हम जोड़े और कपास का भी 100 जोड़े, तब तो धागा का वैसे 300 रुपये का उत्पादन हो गया, लेकिन फाइनल तो 300 का नहीं ना हुआ, फाइनल तो 200 का हुआ, तो ये दोहरी गणना की समस्या आ जाती है ना। तो इसी को हम कहते हैं, अब इसी में हम इन्वर्टेड कॉमा में यहां दे दिए हैं, तो इसको आप माइंड में रखिएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना में एक ही वस्तु के मूल्य को दो या दो से अधिक बार शामिल कर लिए जाने को ही दोहरी गणना की समस्या कहते हैं। एक ही जो है वस्तु के मूल्य को दो या दो से अधिक बार, जैसे आपने देखा ना कि कपास की भी कीमत की गणना कर लिए और फाइनल धागा की भी कीमत ली, जबकि धागा की कीमत में खुद कपास की कीमत ऐड है, तो कपास की कीमत दो बार ऐड हो गया ना, एक धागे के साथ है, एक स्वतंत्र रूप से। चले आगे बढ़े, राष्ट्रीय आय के माप से संबंधित मूल्य वृद्धि विधि क्या है? बस मूल्य वृद्धि विधि यही है कि जिसको अभी आपने हमने दोहरी गणना की समस्या में उसको समझा दिया कि यहां जो है प्रत्येक योगदान उत्पादन के क्षेत्र में प्रत्येक चरण में योगदान मूल्य में वृद्धि करता है। जैसे आप समझ लीजिए कि कपास किसान उपजाया तो किसान का योगदान 100 रुपये का था तो कपास की कीमत 100 रुपये हुई। अब किसान से कपास निकल करके गया धागा फैक्ट्री में, तो धागा बनाया तो धागा की कीमत 200 हो गया, तो इसमें धागा बनाने वाले का योगदान 100 रुपया हुआ, तो मूल्य वृद्धि उसने 100 रुपये किया ना अपने योगदान के बराबर, 100 का कपास लिया था ना, अब धागा हो गया 200 का। अब उस धागा से कपड़ा बनता है तो कपड़े की कीमत 300 है, इसका मतलब है कि कपड़ा बनाने वाले ने 100 रुपया योगदान दिया है, तो वो 200 में 100 जुड़ जा रहा है। तो इस तरह से जो है इसमें हम कह सकते हैं कि प्रत्येक चरण पर जो योगदान है उन योगदानों का योग मूल्य वृद्धि विधि है, यानी इसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड, इसी को जो है हम मूल्य वृद्धि विधि कहते हैं। जैसे यहां पर हमने दे दिया है कि किसान द्वारा कपास में योगदान प्लस धागा फैक्ट्री का योगदान प्लस रंगाई का योगदान प्लस कपड़ा बनाने का योगदान, सबको अलग अलग जोड़िएगा तो कपड़े की कीमत के बराबर आ जाएगी अंत में। ओके, अब हम चलते हैं उत्पादन मूल्य से क्या समझते हैं। तो उत्पादन मूल्य क्या है? उत्पादन मूल्य का मतलब सीधा मानिए कि कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ, यानी भौतिक उत्पादन कितना हुआ और कीमत स्तर क्या है, यानी प्रति वस्तु। यदि 10 वस्तु का उत्पादन हुआ तो 10 रुपये कीमत है, तो 10 × 100 रुपये का उत्पादन मूल्य हुआ। अब एक उत्पादक के उत्पादन का मूल्य कुल बिक्री प्लस इन्वेंट्रीज के स्टॉक में परिवर्तन के बराबर है। इन्वेंट्रीज के स्टॉक में परिवर्तन, यानी पहले से स्टॉक में कितना था अब कितना हुआ। अगर अब स्टॉक बढ़ गया तो इसका मतलब है कि उत्पादन बढ़ा है,
तो जो स्टॉक में अंतर आया उसकी भी हम कीमत निकालेंगे ना, वो भी उत्पादन हुआ ना, तो ये वो जो बेच दिए, मान लेते हैं कि पहले से स्टॉक में हमारा 50 गांठ कपड़ा था, अब स्टॉक में 100 गांठ हो गया, इसका मतलब है कि 50 गांठ उत्पादन करके बढ़ गया, आप 50 गांठ आप बेच भी दिए, इसका मतलब क्या है कि इस वर्ष का उत्पादन 100 गांठ हो गया, 50 बेच दिया और 50 स्टॉक में बढ़ गया, तो उन 100 का हम कीमत से गुना करेंगे, तो ये हम कहते हैं कि इन्वेंट्रीज के स्टॉक में परिवर्तन, यानी खुली अर्थव्यवस्था में बिक्री में घरेलू बिक्री और निर्यात दोनों शामिल होती है ना, जब अर्थव्यवस्था खुली हो, कल ही बताए थे खुली का मतलब अंतरराष्ट्रीय व्यापार से है, तो अतः बिक्री बराबर घरेलू बिक्री प्लस निर्यात, घर में कितना बिक्री हुआ, कुल बिक्री किसको मानेंगे, कि देश के अंदर कितना बिक्री हुआ और विदेशों में कितना बिक्री हुआ, यानी निर्यात हम कितना किए। अब देखिए, चूंकि इन्वेंट्रीज के स्टॉक में परिवर्तन बराबर लेखा वर्ष के, ये तो आपको हम समझा चुके हैं, तो उत्पादन मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, यहां ये देखिए, बिक्री प्लस अंतिम स्टॉक माइनस आरंभिक स्टॉक, यानी इन्वेंट्रीज में परिवर्तन उसी को उलट फेर के ये लिखा हुआ रहता है, इससे आप घबराइएगा मत, और ये इन्वेंट्री शब्द स्टॉक से संबंधित है, इन्वेंट्री में परिवर्तन मींस स्टॉक में परिवर्तन, इसको ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल अर्थशास्त्र का वर्ड है और इसको देखते परीक्षा में आया तो घबरा जाइए कि इन्वेंट्री कौन सा शब्द है ना, आप अपने सोचिए कि आप व्यापार कर रहे हो तो आप स्टॉक में सामान रखोगे ना, तो हर साल स्टॉक में परिवर्तन होता है तो उसको हम इन्वेंट्री में परिवर्तन कहेंगे। अब सकल मूल्य वृद्धि से क्या समझते हैं, ये ध्यान दीजिए, सकल मूल्य वृद्धि में ये देखिए, इसको हम ग्रॉस वैल्यू एडेड कहते हैं, जीवीए यही है, आजकल ये जीडीपी गणना की एक बहुत अच्छी जो है ये मेथड प्रयोग किया जा रहा है, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसमें क्या है कि उत्पादकों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं के चालू प्रवाह में जो योगदान किया जाता है उसे मूल्य वृद्धि कहते हैं। मूल्य वृद्धि को एक फर्म के उत्पादन के मूल्य और अन्य किसी से खरीदे गए आगत के मूल्य के बीच के अंतर के रूप में, यानी क्या यह कह रहा है, ये ध्यान दें, मूल्य वृद्धि को एक फर्म के उत्पादन के मूल्य, एक फर्म क्या उत्पादन कर रहा है उसका मूल्य और किसी अन्य से खरीदे गए आगत के मूल्य, आप कोई चीज प्रोडक्ट कर रहे हो तो प्रोडक्ट कर रहे हो तो दूसरे जगह से आप रॉ मटेरियल्स लोगे ना, तो उस रॉ मटेरियल्स और आपका क्या उत्पादन हुआ, मान लेते हैं कि 10 वस्तु का हमने उत्पादन किया, 10 रुपए के हिसाब से वो बिक गई तो 100 रुपए का उत्पादन हुआ, इस 100 रुपए के उत्पादन के लिए आप 50 रुपए का रॉ मटेरियल्स लिए थे, तो एक्चुअली सकल मूल्य वृद्धि तो आपका यही ना हुआ, क्यों कच्चा माल जो आप लाए थे उसको छांटिएगा इतना ही भरना आपने मूल्य वृद्धि किया, वो तो दूसरे का किया हुआ था, कच्चा माल तो दूसरे का उत्पादन किया हुआ था, आपका क्या हुआ, तो इसमें हम यही करेंगे कि जो है उत्पादन और माइनस रॉ मटेरियल्स को हम हटा देंगे एक तरह से, यानी हम ये कहें कि जो हम आगत लिए दूसरे जगह से उसको हम हटा देंगे, इस प्रकार क्या हो जाएगा, एक फर्म की मूल्य वृद्धि जिसको जीवीए से हम कहते हैं, फर्म का सकल उत्पादन माइनस मध्यवर्ती उपयोग, मध्यवर्ती उपभोग किसको कहेंगे, जो रॉ मटेरियल्स का उपभोग किए, यानी फाइनल गुड्स प्रोडक्शन के लिए जो हम अन्य आगतों को दूसरे जगह से लिए वो मध्यवर्ती उपभोग कहलाएगा, है ना, उसको हम कंज्यूम कर गए, तय बात है, अब तो वो है नहीं, जैसे मान लेते हैं कि स्टील से या मेटल से घड़ी बना, तो घड़ी बना ना, स्टील हम जहां से उठाए उसका तो उपभोग कर गए, वो मध्यवर्ती था तो उसको हम हटा देंगे, इसे हम आसानी से इस तरह से आप समझिए, इसको देखिए वैल्यू एडेड, इसमें बहुत आसानी से आपको इस आंकड़े में समझ में आएगा, यहां चार स्तर है उत्पादन का, एक है किसान, दूसरा है कताई मिल, कपड़ा मिल और रेडीमेड कंपनी। किसान क्या करता है, कपास उपजाएगा, कताई मिल धागा, कपड़ा मिल कपड़ा बनाएगा और रेडीमेड कंपनी कमीज बनाता है यानी शर्ट बनाता है। अब ये ध्यान दीजिए, किसान जो कपास उपजाया उसका मूल्य 1000 रुपया है, ठीक है, इसने कोई मध्यवर्ती उपभोग नहीं किया, ठीक है, ये अपने बीज को खेत में डाला कपास को और कपास उपजाया, तो मध्यवर्ती उपभोग यहां नहीं रहेगा, यानी रॉ मटेरियल से कैसे, अब सकल मूल्य वृद्धि इसने कितना किया किसान ने, तो मात्र 1000 रुपया, चूंकि ये स्टार्ट है। अब कताई मिल धागा बनाया इससे, इस कपास से, तो कताई मिल धागा बनाया तो धागे की कीमत उसने रखा 1500 रुपया, जो धागा बिका मार्केट में वो 1500 रुपये का है, तो मध्यवर्ती उपभोग कितना किया, तो मध्यवर्ती उपभोग किया कि किसान का कपास लिया तब ना धागा बना, और किसान के कपास की कीमत कितना था 1000, तो मध्यवर्ती उपभोग किया 1000, तब अब किसान ये जो है कताई मिल कितना मूल्य वृद्धि किया, तो जो इसको कीमत धागा का मिला उसमें किसान के योगदान को घटा देंगे, क्योंकि वो तो किसान का था, तो 1500 माइनस किसान का योगदान 1000, तो एक्चुअल मूल्य वृद्धि इसने किया 500,
ठीक है। थर्ड चरण में आते हैं, जब कपड़ा मिल कपड़ा बना देता है तो उस कपड़े की कीमत 1900 हो जाता है। अब कपड़े की कीमत में मध्यवर्ती उपभोग क्या हुआ, तो दो मध्यवर्ती उपभोग यहां पर हो गया, एक किसान का कपास और दूसरा कताई मिल का धागा, यानी यह कहे कि धागे तक मध्यवर्ती उपभोग हुआ जिसमें किसान का कपास भी ऐड है। तो हम अब यह कपड़ा मिल कितना योगदान दिया मूल्य वृद्धि में, इसके लिए हम क्या करेंगे, मध्यवर्ती उपभोग को घटा लेंगे। तो मध्यवर्ती उपभोग क्या था, धागा, और धागा कितने का था, तो 1500 का, तो 1500 हम 1900 में से घटा देंगे, यानी कपड़ा मिल मात्र 400 का योगदान किया। अब रेडीमेड कंपनी ने कमीज बना दिया, शर्ट बना दिया, और उस शर्ट को मार्केट में बेचा 2500 में। अब यह रेडीमेड कंपनी कितना योगदान दिया, ये ध्यान दीजिए, तो रेडीमेड कंपनी से पहले रेडीमेड कंपनी ने रॉ मटेरियल्स कितना का लिया था, तो 1900 का लिया था। वो 1900 का क्या था कि कपास से धागा बना था और धागा से कपड़ा, यानी कपड़ा को लिया था, और कपड़े की कीमत उसे मार्केट में कितनी पड़ी थी, 1900। तो 1900 का लिया था, उसको 2500 का बना दिया, तो इसका योगदान कितना हुआ, 2500 - 1900 = 600। अब एक चीज बड़ा यहां इंटरेस्टिंग है, ये ध्यान दीजिए, इंटरेस्टिंग ये है कि आप रेडीमेड कंपनी के कमीज की कीमत देखिए कितना आ रहा है, 2500, और इन जो योगदान अलग अलग किए, इन चारों योगदानों को प्रत्येक चरण में जोड़ दीजिए तो ये भी 2500। इसका मतलब है कि जो कीमत होता है वो प्रत्येक उत्पादन के प्रत्येक चरण में किए गए योगदानों का योग होता है, यानी मूल्य वृद्धियों का योग होता है। ये भी जोड़ रहे हैं तो 2500, ये भी जोड़ रहे हैं तो 2500। अब इसको एक तरीके से और फाइंड कर सकते हैं, वो ये है कि सकल उत्पादन का मूल्य कितना था, तो सबका जो है अपना अपना सकल उत्पादन जो हुआ उसको हम जोड़ दिए तो 6900 आता है, और सब ने जो मध्यवर्ती उपभोग किया उसको घटाएंगे ना सकल उत्पादन में से मध्यवर्ती उपभोग को, तो सकल उत्पादन में से मध्यवर्ती उपभोग हमारा निकल करके आया 4400, जब घटाते हैं तो ये आ जाता है 2500। इधर से जोड़ने पर भी 2500, इधर से घटाने पर 2500, यहां कमीज का मूल्य 2500, ये तीनों आपस में टैली कर जाता है। हम समझते हैं बड़ी आसानी से, इसको समझ गए होंगे, अब इसमें हमको ज्यादा नहीं। अब यह ध्यान दीजिए, मध्यवर्ती वस्तुओं और मध्यवर्ती उपभोग का क्या अर्थ है, अब यह ध्यान दीजिए, मध्यवर्ती वस्तुएं वो हैं जिनका आगे के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कच्चा माल है, कोयला है, बिजली है, बीज है, खाद है, ये सब। अब मध्यवर्तीय वस्तुओं का किसी खास वस्तु के उत्पादन में प्रयोग करते हैं तो मध्यवर्ती उपभोग कहलाता है। ऐसे ही सब है, ऐसे कच्चा माल हम कहीं भी कुछ में भी यूज कर सकते हैं, कोयला को कहीं भी यूज कर सकते हैं, इसमें किसी खास उत्पादन की बात नहीं है, लेकिन जब किसी खास उत्पादन में प्रयोग कर देते हैं तो जब प्रयोग कर देंगे तो वो वस्तु समाप्त हो जाएगी ना, अंतिम उपभोग हो जाएगा, तो वो उसको क्या हम बोलेंगे, जब उपभोग कर जाते हैं तो ये कहलाता है मध्यवर्ती उपभोग, और इस पर आने वाला खर्च को कहते हैं मध्यवर्ती उपभोग व्यय। याद रखिएगा, एक नंबर क्वेश्चन में आएगा, ठीक है। अब इन्वेंट्री में परिवर्तन और एक फर्म के मूल्य वृद्धि के बीच में क्या संबंध है, ये ध्यान दीजिए। अब ये उत्पादन मूल्य बराबर अभी आपने क्या पढ़ा था, बिक्री प्लस इन्वेंट्रीज में परिवर्तन, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि बिक्री प्लस इन्वेंट्रीज का अंतिम स्टॉक माइनस इन्वेंट्रीज का प्रारंभिक स्टॉक, इन्वेंट्रीज में परिवर्तन का मतलब तो वही है। तो इसका मतलब है कि उत्पादन के मूल्य में वृद्धि या कमी इन्वेंट्रीज में वृद्धि या कमी के साथ साथ होती है ना। उत्पादन इन्वेंट्रीज के स्टॉक में अगर हम मान लेते हैं कि इन्वेंट्रीज में परिवर्तन पॉजिटिव होता है तो उत्पादन मूल्य बढ़ जाएगा, इन्वेंट्रीज में परिवर्तन निगेटिव होता है तो उत्पादन मूल्य घट जाएगा, यानी स्टॉक में परिवर्तन अगर निगेटिव होता है तो ये आपका जो है घट जाएगा क्योंकि आपके स्टॉक में कमी आ गई है। क्लियर है, बहुत कठिन नहीं है, इसमें ज्यादा समय देने से क्या हो जाता है कि छोटी चीज भी फिर जो है उलझ जाता है, तो छोटी चीज को छोटी ही रहने दें। चले इसके बाद हम देखें कि एक फर्म द्वारा मूल्य वृद्धि कैसे होता है। फर्म द्वारा मूल्य वृद्धि क्या है, तो उत्पादन मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य हटा देंगे, इसका मतलब है कि मूल्य वृद्धि बराबर क्या होगा, तो बिक्री प्लस इन्वेंट्रीज में परिवर्तन माइनस मध्यवर्ती वस्तु, है ना, क्योंकि उत्पादन मूल्य बराबर क्या हुआ, उत्पादन मूल्य बराबर बिक्री प्लस इन्वेंट्रीज में परिवर्तन अभी आपने पढ़ा, तो उत्पादन मूल्य के बदले ये दोनों चर आ गए और मध्यवर्ती वस्तुओं का जो है हमने रख दिया। अब इसी को उदाहरण पर यहां पर सेट किया गया है। अब मान लेते हैं कि एक वर्ष में एक फर्म की इन्वेंट्रीज का 500 है, फर्म की कुल बिक्री 7000 है, प्रयोग में लाई गई मध्यवर्ती वस्तु का मूल्य 1500 है और वर्ष के अंत में इन्वेंट्रीज का स्टॉक कितना है 700, तो इन्वेंट्रीज में परिवर्तन कितना हुआ 200 का। अब इस 200 के आधार पर मूल्य वृद्धि को देखिए। अब मान लेते हैं कि इन्वेंट्रीज में परिवर्तन 0 होता है, तो 0 होगा तो क्या होगा, बिक्री आपने कितना किया था 700, 7000 का,
और इन्वेंटरी में परिवर्तन आपने मान लिया शून्य, और मध्यवर्ती वस्तुओं को ऊपर आंकड़े में आपने दिखाया है कि ये 1500 का, ये देखिए 1500 का है, तो आपका जो है यहां पर मूल्य वृद्धि कितने का हुआ, तो 7000 माइनस 1500 तो 5500 का है ना, क्योंकि क्या आपने जो है प्रयोग मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य घटाइएगा ना, तो घटाने पर आपका कितना आ जाता है जो है 5500। अब यह ध्यान दीजिए कि जब इन्वेंटरीज में परिवर्तन 200 है, तो इन्वेंटरीज में जो परिवर्तन है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो जुट जाएगा, तो यहां पर देखिए जुट गया 7000 प्लस 200 माइनस 1500 यानी 5700, यानी पिछला बार से बढ़ गया। अगर यह निगेटिव होता तो पिछला बार से भी 200 घट जाता, यानी 5300 हो जाता। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, मूल्य वृद्धि विधि की सावधानी, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है, ऐसे हम हल्का इस पर हम चर्चा कर देते हैं, ये ज्यादा कठिन नहीं है। मूल्य वृद्धि विधि में क्या सावधानियां रखनी है, ये इसमें स्व उत्पादक क्या करता है कि कुछ वस्तुएं स्व उपभोग के लिए भी रख लेता है, तो इसकी भी गणना होनी चाहिए क्योंकि उसकी भी कीमत होती है। मान लेते हैं कि किसान चावल उपजाता है तो चावल अपने खाने के लिए भी रख लेता है, तो अगर वो चावल नहीं उपजाता तो मार्केट से चावल तो खरीदता ना, तो किसी न किसी का चावल बिकता, उस पर किसान को खर्च तो करना पड़ता, तो ये किसान यहां भी खर्च कर रहा है, अंतर यही है कि खुद उपजाया है और अपने पास से ही रख लिया, तो इसको आप मूल्य वृद्धि में आप गणना कर सकते हैं। दूसरा, परिवारों में महिलाओं के द्वारा की जाने वाली सेवाएं का आकलन करना बहुत कठिन होता है, और इस उलझन से बचने के लिए इनकी गणना नहीं की जाती, ठीक है। तीसरा है कि पुरानी वस्तुओं के क्रय विक्रय की गणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी वस्तु तो पुराने साल के है, चालू वर्ष में उनका कोई हिस्सा नहीं है। चौथा है कि स्टॉक में हुई वृद्धि को शामिल किया जाना चाहिए, स्टॉक बढ़ गया तो इसका मतलब है कि नया उत्पादन बढ़ा है, तब ना स्टॉक बढ़ा है तो वो शामिल होगा। मध्यवर्ती वस्तु के मूल्य की गणना नहीं करनी चाहिए, मध्यवर्ती वस्तु की नहीं गणना कीजिए क्योंकि दोहरी गणना हो जाएगी, जिसको हम काफी पीछे समझा चुके हैं। अब आते हैं आगे की, देखते हैं राष्ट्रीय आय की माप की आय विधि, ये अब उत्पादन विधि आपका खत्म हो गया, अब आय विधि पर आते हैं। आय विधि में क्या है कि इसमें उत्पादन, आय विधि के अंदर उत्पादक साधनों को एक वर्ष के अंदर में क्या भुगतान करता है, उन सारे भुगतानों का योग राष्ट्रीय आय कहलाएगा। इसे ही हम साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि कहते हैं। साधन लागत पर, किस पर लागत लगा, साधन पर, साधन को हम यूज किए तो साधन को दिए उसका रेमुनरेशन, तो हमारे साधन पर लागत लगी ना, तो साधन लागत पर ही ये शुद्ध मूल्य वृद्धि इसको कहते हैं। मूल्य क्यों बढ़ा, क्योंकि साधन पर लागत लगा। इससे कारण हुई मूल्य वृद्धि जब उस साधन के हाथों में वितरित कर दिया जाते हैं तो यह योग राष्ट्रीय, और जो ये मूल्य वृद्धियां जो होती है वो बिक्री के आधार पर उत्पादक के पास आता है, और उत्पादक जब इनको साधनों के हाथ में दे देता है तो यही इन्हीं का योग राष्ट्रीय आय कहलाएगा। इस प्रकार शुद्ध मूल्य वृद्धि और साधन आय एक ही चीज है, शुद्ध मूल्य वृद्धि और साधन आय दोनों एक ही चीज है। अब इसे हम इस तरह से कहेंगे कि ये जीडीपी गणना, इस स्थिति में चाहे हम जीडीपी की गणना मूल्य वृद्धि विधि से करें या आय विधि से, दोनों का परिणाम एक ही आता है। अब आप एक चीज समझिए, थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर हो रहे होंगे, मूल्य वृद्धि क्यों होती है, क्योंकि प्रत्येक चरण में जो है जो साधन योगदान देता है उस योगदान को ऐड करते जाते हैं, तो साधन को हम यूज कर रहे हैं तो उसके योगदान को ऐड करेंगे ना, उसी के बराबर में हम कीमत लेंगे, और साधनों को जो हम लगा रहे हैं तो उसको हम उसका रेमुनरेशन दे रहे हैं उसके योगदान के बदले, तो वो हमको कहां से आएगा, उसी कीमत से ही आएगा ना, वस्तु की कीमत जो वो प्रोडक्ट करेगा। तो चाहे हम मूल्य वृद्धि विधि से निकालें या साधन पर लागत विधि से निकालें, दोनों से हमारा रिजल्ट एक ही आएगा। अब इसमें घरेलू साधन आय के घटक क्या है, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले है कि मजदूरी तथा वेतन, मजदूरी तथा वेतन से तात्पर्य जो है कर्मचारियों को सेवाओं के बदले नगद किस्म की और सामाजिक सुरक्षा के लाभों के रूप में दिया जाता है, वेतन मजदूरी ये सब दिया जाता है ना, तो वो है। दूसरा है लगान, भूमि के प्रयोग के बदले में क्या, इसको हम क्या कहते हैं, वेज कहते हैं, जो मजदूरों और कर्मचारियों को दिया जाता है उसको हम वेज कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है लगान, भूमि के प्रयोग के बदले में जो भूमिपति को दिया जाता है उसको हम लगान कहते हैं, जैसे भूमि, इमारत, मशीन का किराया अथवा पूंजी परिसंपत्तियों के अस्थाई प्रयोग के लिए, इसको आप देखिएगा तो इसको हम रेंट से सूचित करते हैं। तीसरा है ब्याज, जिसकी पूंजी उधार लिए हैं
उसको इंटरेस्ट देंगे, तो इसको हम आय से सूचित करते हैं। और चौथा है सकल लाभ। सकल लाभ यहां मैंने लिखा है, सिर्फ लाभ नहीं लिखा है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लाभ में बहुत सारी चीज जुड़ी हुई थी। तो जोखिम के बदले साहसी को जो मिलता है उसको सकल लाभ कहते हैं, यानी इसको हम पीजी से संबोधित किया है, ग्रॉस प्रॉफिट है ना, पी फॉर प्रॉफिट, जी फॉर ग्रॉस, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर क्या है, पी प्लस डी, पी प्लस डी के जो लाभ लिए वो उसमें मूल्य ह्रास, सकल लाभ में मूल्य ह्रास जुड़ा हुआ रहता है। डी हम कल ही बताए थे कि डिप्रिसिएशन से मतलब है, सकल लाभ में मूल्य ह्रास जुड़ा हुआ आता है लाभ के साथ। अब आय विधि के अनुसार देखिए जीडीपी बराबर क्या हो जाएगा, ये ध्यान दीजिए। तो जीडीपी बराबर सकल साधन आय, जो साधन का आय है वही ना जीडीपी, और साधन का आय क्या था ये ध्यान दीजिए। तो साधन आय को आप जीएफआई भी लिख सकते हैं, है ना, ग्रॉस फैक्टर इनकम, है ना, याद रखिएगा ग्रॉस फैक्टर इनकम। तो जीएफआई बराबर क्या हो जाएगा ये ध्यान दीजिए, जीडीपी एफसी इसको हम कहेंगे, क्योंकि साधन पर निकाल रहे हैं, साधन लागत पर, तो जीडीपी ऑन एट फैक्टर कॉस्ट या जीएफआई बराबर क्या हो जाएगा, तो लगान प्लस मजदूरी प्लस इंटरेस्ट प्लस सकल लाभ। यानी एक समीकरण आपका क्या बनता है कि जीडीपी एफसी और जीएफआई बराबर आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पीजी, ठीक है। तो अब जीएनपी एफसी अगर हमको निकालना है तो जीडीपी से हम भाग गए जीएनपी पर, तो जीएनपी में क्या जुड़ जाता है, एनएफआईए विदेशों से शुद्ध साधन आय, कल आपने पढ़ा था, है ना। तो ये हमने क्या किया, आर प्लस डब्ल्यू प्लस आई प्लस पीजी प्लस विदेशों से शुद्ध साधन आय, एनएफआईए हमने जोड़ दिया, जो है ब्रॉड आ रहा है, ठीक है। और जीएनपी एमपी, अब एमपी पर अगर हमको ला रहे हैं तो अब एफसी से हम एमपी पर आ गए, तो एमपी के लिए हम क्या करेंगे, तो एफसी में आपको पता है कि नीट को हटाया हुआ होता है, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटाया हुआ होता है। तो जो ही हम एफसी को एमपी में बदलेंगे तो उसमें एनआईटी एक चौथा चर आके जुड़ जाएगा। अब यहां देखिए ये चार चर था, चार में जब एफसी किए तो पांचवा चर जुड़ गया है एनएफआईए, और जब एफसी को एमपी में किए तो एक जो है छठा चर आके जुड़ गया नीट, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। तो ये आ गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, साधन आय और हस्तांतरण भुगतान क्या है, उत्पादन के साधनों को उत्पादन में उनके प्रयोग के बदले जो भुगतान किया जाता है उसको साधन आय कहते हैं, ध्यान दीजिए, जिसमें चार प्रकार के होते हैं, लगान मजदूरी ब्याज और लाभ, ठीक है। हस्तांतरण भुगतान बिना उत्पादन में प्रयोग किए उनको मिलता है, यानी उत्पादन में कोई योगदान नहीं होता है, जैसे छात्रवृत्ति, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, है ना, वृद्धावस्था पेंशन, नॉट पेंशन जनरल, ठीक है। तो ये सारी चीज इनको हम हस्तांतरण भुगतान कहते हैं, जो बिना उत्पादन में योगदान किए हुए मिलता है। आर्थिक सहायताएं, उपहार, दान, ये सब आता है, ठीक है। अब आय विधि से राष्ट्रीय आय मापने की सावधानियों को देखिए, आय विधि से राष्ट्रीय आय मापने में क्या सावधानी है इसको हम देखें। तो पहले ध्यान दीजिए कि इसमें हस्तांतरण भुगतान चूंकि गैर उत्पाद किए भुगतान है, अतः इसे राष्ट्रीय आय में, अभी आपने पढ़ा कि हस्तांतरण भुगतान बिना उत्पादन में योगदान किए हुए होता है, जैसे पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, छात्रवृत्ति है, तो इन सबों को तो हम सम्मिलित नहीं करेंगे क्योंकि उत्पादन में योगदान नहीं है। उत्पादन के स्वामियों द्वारा स्वयं प्रदान की गई साधन सेवाओं के आरोपित मूल्य को, अब हम उत्पादन कर रहे हैं और उत्पादन के क्षेत्र में मान लेते हैं कि हमारे पास खुद ही साधन है, तो आखिर वो साधन हम किसी दूसरे को देते तो उसके बदले हमको मिलता ना कुछ ना कुछ, और हम उसको अपने उपयोग कर रहे हैं, तो उसको इसमें निश्चित तौर पर शामिल करना चाहिए। गैर कानूनी आय को नहीं, इसका तो अर्थशास्त्र में कोई जगह नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र सामान्य सिद्धांतों पर चलता है, सामान्य अवस्था पर चलता है। गैर कानूनी तो एक तरह से भ्रष्टाचार की बात हो गई, तो गैर कानूनी आय जैसे कर चोरी वगैरह, ये सब डकैती से कमाया हुआ धन, तो ये सब को हम इसमें शामिल राष्ट्रीय आय में नहीं करेंगे। लॉटरी से प्राप्त आय को भी नहीं, क्योंकि उत्पादन में कोई योगदान नहीं देता है लॉटरी से प्राप्त आय, या आकस्मिक लाभ, इन चीजों को हम, क्योंकि ये वस्तुओं और सेवाओं के चालू प्रवाह में कोई योगदान नहीं देते हैं, ठीक है। इसके अलावा मृत्यु कर, उपहार कर, संपत्ति कर, इन चीजों को भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब पुरानी वस्तुओं का प्रतिफल है। संपत्ति कर पुरानी वस्तुओं से ही दिया जाता है, पुरानी वस्तुओं तथा बॉन्ड से हम शेयर वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि नहीं कर पाते हैं, तो इनसे होने वाले लाभ को भी हम शेयर के से जो लाभ होते हैं उत्पादन में सहयोग नहीं करते हैं, तो इनसे होने वाले लाभ को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम देखें राष्ट्रीय आय माप के व्यय विधि को, तीसरा विधि आपका ये लास्ट विधि है, ठीक है। तो व्यय विधि को हम जरा सा देख लें कि व्यय विधि में क्या है। अब इसको देखिए, एक देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए अंतिम व्ययों को योग को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का पर जो हम व्यय करते हैं, यानी एक देश के लोग जितना व्यय करते हैं, इन सब का योग जीडीपी होगा, सकल घरेलू उत्पाद होगा।
ठीक है। अब हम इसको देखें, अंतिम व्यय की मदें क्या है, उससे आपको आसानी समझ में आएगी। सबसे पहले हम व्यय किस पर करते हैं, तो उपभोग पर। उपभोग के बिना तो कोई इस धरती पर रहता नहीं है। अगर आपका इनकम जीरो भी है तो भी उपभोग कीजिएगा, कर्जा लेके कीजिए, चाहे चोरी करके कीजिए, उपभोग आप करवे कीजिएगा, क्योंकि न उपभोग कीजिएगा तो आप जीवित नहीं रह पाइएगा, है ना। तो उपभोग मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्ति है, किसी भी तरह का उपभोग हो, चाहे स्व उपभोग या दूसरे से प्रेरित उपभोग, है ना। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो उसको माँ दूध पिलाती है या कोई और, तो उपभोग तो कहीं ना कहीं वो स्टार्ट जन्म से ही शुरू कर देता है, है ना। तो ये सबसे पहला जो है निजी अंतिम उपभोग है। पहला खर्च हमारा किस पर है, तो उपभोग पर, जिसको हम सी कहते हैं, कंजम्पशन, या परिवारों द्वारा उपभोग के लिए फर्मों से खरीदी गई वस्तु एवं जो परिवार लोग फर्म से वस्तु और सेवाएं खरीदते हैं उनसी की मौद्रिक मूल्य है। दूसरा है अंतिम निवेश व्यय, या पूंजी वस्तुओं के खरीदने पर होता है, माने जिस जो उत्पादन में सहयोग करें, है ना, तो जो पूंजी वस्तु है। अब इसमें तीन प्रकार का निवेश है। क्या है, स्थिर व्यवसायिक निवेश, जैसे स्थिर पूंजी पर, मतलब स्थिर साधन पर जो खर्च हम करते हैं, जैसे बड़े संयंत्र, मशीन, इमारत आदि पर खर्च। दूसरा है इन्वेंट्री, जैसे स्टॉक निवेश पे है, कच्चे माल, अर्धनिर्मित, तैयार माल के पड़े हुए स्टॉक में परिवर्तन। और तीसरा है गृह निर्माण निवेश। ये तो आजकल निवेश का बहुत बड़ा कारण बनता है, खास करके ऐसी अवस्था में जब मार्केट में एक तरह से हम कहें कि मंदी की स्थिति होती है गुड्स एंड सर्विसेज सेक्टर में, ठीक है। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि मार्केट में पूंजी लगाना लाभदायक नहीं होता है, तो लोग दो चीजों में पूंजी लगाना शुरू करते हैं, और ये दो चीजें कॉन्फिडेंशियल हो जाता है, एक तरफ गोल्ड में और दूसरे तरफ रियल एस्टेट में, यानी सोना खरीदने में, क्योंकि वो मानते हैं कि इसकी कीमत हमेशा कुछ ना कुछ बढ़ती ही जाएगी, इसमें घटने वाली बात नहीं है, और रियल एस्टेट में भी, जमीन जायदाद में, तो यहाँ पर भी भारी मात्रा में निवेश होता है। तो रिहायशी मकानों के निर्माण पर होने वाली व्यय राशि से, तो ये तीन तरह के निवेश है। अब अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं पर सरकारी व्यय, ये एक तीसरा व्यय है। किसमें, जब अर्थव्यवस्था में सरकार हो, यानी तीन क्षेत्रीय मॉडल जो ही है तो सरकारी व्यय आ जाएगा। तो तीन प्रकार का व्यय अभी आपके सामने आया, एक कंजम्पशन व्यय जिसको सी कहेंगे, एक निवेश व्यय जिसको आई कहेंगे, और एक सरकारी व्यय जिसको हम जी कहेंगे। अब सरकार भी दोनों तरह का व्यय करेगा, सरकार भी उपभोग करता है और सरकार भी निवेश करता है। तो उपभोग व्यय को हम सीजी कहेंगे, कंजम्पशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, और निवेश को हम आईजी कहेंगे, इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो अब जो है, और अब यदि देश की अर्थव्यवस्था खुली हुई हो, खुली हुई का मतलब इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ हो, विश्व व्यापार से जुड़ा हुआ हो, तो ऐसी अवस्था में चौथा खर्च जो होता है हमारा शुद्ध निर्यात पर होता है, है ना। तो शुद्ध निर्यात पर हम व्यय करते हैं, निर्यात एवं आयात के अंतर को शामिल किया जाता है, और ये तीन प्रकार का है। इसमें पहला है कि उपभोग वस्तुओं पर आयात व्यय, निवेश वस्तुओं पर आयात व्यय, और आयातों पर सरकारी व्यय, है ना। तो इसको हम उपभोग पर सी एम, एम फोर क्या हो गया, ध्यान दीजिए, एम फोर इम्पोर्ट, है ना। तो यह जो है कंजम्पशन ऑफ इम्पोर्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ इम्पोर्ट, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट। तो एक तरह से हम क्या कहें, इम्पोर्ट व्यय आपका कितना हो गया, सी एम प्लस आई एम प्लस जी एम, है ना, ये तीनों का टोटल जो है इम्पोर्ट व्यय हो गया। क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो आप एक्सपोर्ट करते हो और इम्पोर्ट करते हो, तो आपकी वस्तुओं की डिमांड दूसरे देशों में होती है, और आप भी तो दूसरे देश के वस्तुओं को डिमांड करते हो, तो आयात पर भी हमको एक तरह से खर्च होता है ना। अब हम इन चारों चरों का योग ही बाजार कीमत होगा। अब चार चर आपके क्या क्या आ गए, ये ध्यान दीजिए, ये एक चर में कई चर हैं, जैसे अभी आपने देखा कि एम में तीन चर आ जा रहे हैं, लेकिन हम इसको एक चर मान के चलते हैं। उसी तरह इसके पहले वाला में देखिए कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर था, सरकारी व्यय, ये भी दो था, सीजी और आईजी, है ना। उसी तरह हम देखते हैं कि अंतिम निवेश भी तीन तरह के थे, तो सबको हम एक एक चर मान के चलते हैं। यानी हमारा मूल चर क्या हो गया कि एक कंजम्पशन हो गया, एक इन्वेस्टमेंट हो गया, एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, यानी ये निजी क्षेत्र का दोनों अपना अपना हो गया, ठीक है। दूसरा का है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और तीसरा है खुले मार्केट, यह जो है खुली अर्थव्यवस्था का खर्च, यानी एक्स माइनस सेम। तो यही चार तरह की चीज होती है। इन चारों तरह के व्ययों को हम जोड़ देते हैं, यानी कंजम्पशन पर कितना व्यय, इन्वेस्टमेंट पर कितना व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना है, और जो है निर्यात व्यय कितना है, आयात व्यय कितना है, इन चारों को जोड़ देते हैं तो हमारा जीडीपी निकल जाता है। तो अब आपका जीडीपी एमपी का फॉर्मूला, जीडीपी ऑन मार्केट प्राइस का फॉर्मूला, जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और सबसे ज्यादा कंपिटेटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं कि जीडीपी एमपी बराबर तो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम,
पिछले दिन हम पढ़ाए थे इस फॉर्मूले को, आज इस फॉर्मूले को आपने समझा कि ये कैसे निकलता है, ठीक है, फॉर्म कैसे होता है। अगर इसमें शुद्ध विदेशी आय को जोड़ दें, यानी NFI अब्रॉड जोड़ दें, हम विदेशों से शुद्ध साधन आय, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, तो वो जोड़ देंगे तो हमारा GNP निकल जाएगा। GDP में हम NFI A जोड़ते हैं, तो GNP यानी C+I+G+X-M+NFI A, या इसी को हम कह सकते हैं, चूंकि यहां से यहां तक C+I+G+X-M=GDP MP, तो इसमें NFI A हम ऐड कर दिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिए राष्ट्रीय आय के माप में व्यय विधि के अंदर क्या सावधानी अपनानी होगी, तो व्यय विधि के अंदर सावधानी को हम देखें तो इसमें भी पुरानी वस्तुओं पर किए गए व्यय को गणना में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा है कि शेयर एवं बॉन्ड्स चूंकि उत्पादन में योगदान नहीं देते हैं तो उसकी भी गणना नहीं होगी। हस्तांतरण भुगतान तो बिल्कुल गैर उत्पाद किए हैं तो उसकी भी गणना नहीं होगी। मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं पर किए गए व्यय को भी इसमें शामिल, क्योंकि मध्यवर्ती वस्तु को शामिल की जाएगा तो दोहरी गणना की समस्या आ जाएगी और दोहरी गणना राष्ट्रीय की गणना को जो है रॉन्ग कर देगी, ठीक है। तो ये है, अब हम देख लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद GDP की माप की तीनों को हम एक जगह ला दिए हैं, यानी उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो आप देखिए उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि उसको कहें, वैल्यू एडेड मेथड कहें, तो इसको हम सकल घरेलू उत्पाद GDP बराबर उसमें क्या किए थे, अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों का सकल उत्पादन मूल्य माइनस सभी फर्मों द्वारा मध्यवर्ती उपभोग, यही ना किए थे। इसका मतलब है कि GDP बराबर सभी फर्मों का GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड और समेशन ऑफ GVA, सारे फर्मों का GVA का योग। अब इनकम मेथड में आपने क्या किया था कि GDP बराबर R+W+I+PG है ना, यानी लगान प्लस ब्याज प्लस मजदूरी प्लस सकल लाभ, और व्यय विधि में आपका आया C+I+G+X-M, ठीक है, ये तीनों आया। तो ये क्योंकि एक ही राष्ट्रीय आय के तीन तरीके से माप है अतः तीनों का परिणाम एक ही आता है। अब GDP को हम क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, तीनों के नाम में भिन्नता है, चीज एक ही है लेकिन नाम में भिन्नता है उनके तरीकों के कारण। तो GDP क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। GDI क्या हो गया, सकल घरेलू आय। यही कौन, ये कौन है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सकल मूल्य वृद्धि GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, और ये GDI सकल घरेलू आय, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, और GDE सकल घरेलू व्यय, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब हम तो आपका चाहे अब आप GDP कहिए या ग्रॉस वैल्यू एडेड कहिए, जो भी कहिए, R+W+I+PG=C+I+G+X-M, ये पूरा का पूरा इक्वेशन एक साथ आ जाता है, ठीक है। अब ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण तादात्म्य, तादात्म्य का मतलब क्या समझते हैं, इसको हम आइडेंटिटी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे हम बोलते हैं A+B2A2+2AB+B2, ये इसको इक्वेशन नहीं कहते हैं, इसको तादात्म्य कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए और बी का मूल्य चाहे जो कुछ भी हो, प्रत्येक मूल्य के लिए ये दोनों तरफ राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल होंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए और बी का आप जो मूल्य दे दीजिए वो हमेशा A²+2AB+B² के अनुसार ही इक्वल होगा। इसको हम तादात्म्य कहते हैं, आइडेंटिटीज कहते हैं। लेकिन इक्वेशन में क्या होता है, जैसे हम बोल रहे हैं कि 3x+10=30, 3x+10=30, तो है x का एक खास वैल्यू के लिए इससे होगा, दोनों तरफ राइट और लेफ्ट दोनों इक्वल होगा। दूसरी वैल्यू उसके अलावे हम दे देंगे, जो निकल के आएगा x का मान, इसके अलावे दूसरी वैल्यू देंगे तो ये समीकरण सेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर होता है, तो यहां पर एक तादात्म्य की प्राप्ति यहां भी होती है, ये ध्यान दीजिएगा। अब आपने देखा कि सरल अर्थव्यवस्था में परिवारों की आयों को जोड़कर GDP प्राप्त करते हैं। अब इस पारिवारिक आय के कितने भाग है, आप अपनी आय को क्या करते हैं, कॉमन सेंस से सोचिए। तो हम अपनी आय को दो ही भागों में तोड़ते हैं, या तो उपभोग कर जाते हैं या बचा लेते हैं, यानी आय के सिर्फ दो भाग होते हैं, या तो कंजम्पशन उपभोग या बचत। तो हम लिख सकते हैं ना कि यदि आय बराबर GDP तो GDP बराबर C+S, ठीक है, चाहे वो सरकार का हो, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से आए, होता तो यही है इस इनकम का कि GDP बराबर C+S, कंजम्पशन होगा या बचत होगी, या तो एक भाग उपभोग कर जाएंगे या बचा लेंगे। अब वही अगर GDP को अंतिम व्यय के रूप में देखें, यानी व्यय के रूप में देखें, तो व्यय में हम क्या कर देते हैं, तो व्यय में भी दो चीज आ जाता है, या तो उपभोग करते हैं या निवेश कर देते हैं। व्यय जब करते हैं तो या तो उपभोग कर देते हैं या और अधिक उत्पादन के लिए हम उसको निवेश कर देते हैं। तो इससे क्या निकल गया, इससे निकल रहा है कि व्यय मेथड से क्या आ जा रहा है कि GDP बराबर C+I। अब ये ध्यान दीजिए, एक GDP बराबर C+S और एक GDP बराबर C+I, दोनों तो GDP का ही वैल्यू है। इसका मतलब है कि 1:2, यानी हम ये कहें कि यहां पर क्या हो जाएगा, C+S तादात्म्य हो जाएगा C+I के साथ,
और इसमें सी सी कॉमन है यानी एस बराबर आई आ जाएगा, यानी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हमेशा संतुलन की अवस्था में होनी चाहिए, बचत और निवेश हमेशा होनी चाहिए। यहां हमने नीचे दे दिया है कि एलएचएस समग्र आय के आवंटन को आरएचएस समग्र व्यय के आवंटन को प्रदर्शित करता है, यानी समग्र आय बराबर समग्र व्यय संतुलन की यह शर्त हो जाएगी। और इस शर्त के अनुसार सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, या अगर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट तो एस माइनस आई बराबर जीरो, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए इसी को हमने रखा है, चूंकि फर्मों चूंकि उत्पादन फर्मों द्वारा बेचा जाता है अतः व्यय का मूल्य भी फर्मों द्वारा ही प्राप्त किया जाएगा। तब तादात्म्य तीन हमें बताता है कि परिवारों द्वारा प्राप्त आयोग का योग फर्मों द्वारा प्राप्त समग्र व्यय के बराबर है। अब उसी को जो इसको मैंने पहले कहा कि एस बराबर आई और एस माइनस आई बराबर जीरो, इसी को इसमें समझाया हुआ है। अब हम देखें कि विदेशी व्यापार के साथ अर्थव्यवस्था का क्या हाल होता है, यह आपका लास्ट फेज है इस चैप्टर का, तो इसमें ध्यान दीजिए। अभी हमने जो है इसमें अब हम चार क्षेत्र मान लेते हैं, यानी विदेशी व्यापार भी इसमें अटैच है, खुली अर्थव्यवस्था है, तो उसमें क्या होगा कि अब अपनी समग्र आय को लोग तीन भाग में आवंटित करेंगे। जब पूरा सरकारी क्षेत्र हो, विदेशी व्यापार हो, तो समग्र आय को तीन भाग में आवंटित करेंगे। क्या क्या आवंटित करेंगे ये ध्यान दीजिए, कहां कहां खर्च करेंगे। एक उपभोग में खर्च करेंगे, जो बचेगा उसको बचा लेंगे, लेकिन सब नहीं बच पाएगा, सरकार अगर है तो उसको टैक्स भी देना पड़ेगा, यानी उपभोग और टैक्स देने के बाद जो बचेगा बचा लेंगे। तब हमारा क्या हुआ, हमारी आय के तीन हिस्से हो गए, उपभोग सरकार को टैक्स और बचत, तो उपभोग सी बचत एस कर भुगतान टी फॉर टैक्स, यानी हमारी जीडीपी किधर गई आय पक्ष के हिसाब से, तीन भागों में सी प्लस एस प्लस टी, है ना, कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्सेशन, तीन भाग में गया। तो ये आपका समीकरण वन आ रहा है। अब व्यय पक्ष को ले, तो व्यय में हम क्या करते हैं, तो व्यय पक्ष में अभी हम आपने देखा कि हमारा जो है चार तरह का व्यय हो जाता है, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, खुली अर्थव्यवस्था है इस कारण एक्स माइनस एम। ठीक है, अब ये जो है समीकरण दो आ गया। अब दोनों को आप देखिए, अब हमारा रिलेशनशिप क्या आ रहा है, दोनों तो जीडीपी का ही वैल्यू था, तो जीडीपी का आय से वैल्यू आया, आप ये ध्यान दीजिए जीडीपी का आय पक्ष से वैल्यू आ रहा है सी प्लस एस प्लस टी, और व्यय पक्ष से इसका वैल्यू आ रहा है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। तो यानी जीडीपी इज इक्वल टू जीडीपी, तो सी प्लस एस प्लस टी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहां पर वही लिख कर दिया है सी प्लस एस प्लस टी बराबर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, अब सी प्लस एस प्लस टी एक्स माइनस एम का कोष्ट खोल दिए तो प्लस एक्स माइनस एम आ जाता है। अब यहां देखिए सी से सी कैंसिल हो गया, इस सी को हम इधर ले गए, सी से सी कैंसिल हो गया, तो आपका क्या आ गया आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बराबर टी प्लस एस, या आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम बराबर एस प्लस टी, आपका चौथा समीकरण। अब यह चौथा समीकरण क्या बता रहा है ये ध्यान दीजिए, यह बताता है कि निजी निवेश आई सरकारी व्यय जी शुद्ध निर्यात एक्स माइनस एम का योग बचत और कर आगम के योग के बराबर, कर से जो आगम आ रहा है और जो बचत है इसके योग के ये बराबर रहेंगे हमेशा। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऊपर वाला को देखिए आई माइनस एस, ठीक है एस को हम इधर कर दिए, आई माइनस एस यानी इन्वेस्टमेंट माइनस सेविंग, कहने का मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट अधिक है सेविंग से, ठीक है तो हम माइनस कर रहे हैं। और दूसरा टी को भी इधर कर दिए, जी माइनस टी बराबर एम माइनस एक्स, इसको अगर इधर करेंगे तो ये माइनस जो है एम वो प्लस एम हो जाएगा और एक्स ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो एम माइनस एक्स समीकरण नंबर पांच। यानी एम माइनस एक्स किस चीज को दिखाता है, ये यहां से मूल ध्यान देने की बात है, एम मींस आयात इंपोर्ट, एक्स मींस एक्सपोर्ट निर्यात। अगर यहां एम माइनस एक्स जैसे यहां पर आपने निर्णय ले लिया कि आई माइनस एस है, इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट अधिक है सेविंग से, क्योंकि आई में से एस हम घटा रहे हैं, तो उसी आधार पर यहां निर्णय लीजिए तो होगा कि आयात अधिक है निर्यात से, एम अधिक है तो एम अधिक है, इसका मतलब व्यापार घाटा हो रहा है, तो व्यापार घाटा कितने के बराबर हो रहा है कि जी माइनस टी पर यह डिपेंड करता है। ठीक है, अब ऊपर के तादाद से स्पष्ट है कि जी बराबर टी तो संतुलित बजट होगा, यदि जी बराबर टी जितना गवर्नमेंट का खर्च है उतना ही टैक्सेशन है तो बजट संतुलित होगा, जी इज ग्रेटर देन टी, इसको समझने के पहले यह समझ लेना है कि जी टी के रिलेशन क्या है, तो जी बराबर टी तो संतुलित बजट, जितना सरकार को आया है उतना ही व्यय है, जी इज ग्रेटर देन टी यदि गवर्नमेंट की खर्च टैक्सेशन से ज्यादा है तो घाटे का बजट, और जी इज लेस देन टी तो बचत का बजट, वही एक्स और एम में क्या रिलेशनशिप होगा यह ध्यान दीजिए, एक्स इज इक्वल टू एम तो व्यापार संतुलन, आयात बराबर निर्यात तो व्यापार संतुलन, एक्स इज ग्रेटर देन एम तो व्यापार अधिक है यानी व्यापार शेष, और एक्स इज लेस देन तो व्यापार घाटा। अब पांच को पुनः ले आइए, अब उस निष्कर्ष पर आते हैं जो उस समय हम कह रहे थे, आई माइनस एस प्लस जी माइनस टी बराबर एम माइनस एक्स,
ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं आई माइनस एक्स बराबर एम माइनस एक्स माइनस जी टी, ये सेवेंथ हो गया समीकरण। और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एस माइनस आई, अगर एस माइनस आई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी माइनस टी प्लस एक्स माइनस एम। आप ध्यान दीजिएगा इसको, ये एस माइनस आई करेंगे तो एस इधर, तो सबका चिन्ह अब, और ये पूरा समीकरण इधर, तो सबका चिन्ह बदल जाएगा और ये समीकरण आठ का रूप लेगा। अब ध्यान दीजिए कि इससे क्या पता चलता है, पता चलता है कि बचत पर यदि निवेश का आधिक्य है, बचत पर निवेश का आधिक्य, यानी इसको ले लीजिए, बचत पर निवेश का अधिक है, तो व्यापार घाटे एम माइनस एक्स में से सरकारी बजट घाटे जी माइनस टी घटाने पर के बराबर है। यदि निवेश अधिक है तो निवेश कितना अधिक रहेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि जो है बजट घाटे व्यापार घाटे में से बजट घाटा को का अंतर कितना है, व्यापार घाटा और बजट घाटा का अंतर कितना है। देखिए यहां व्यापार घाटा एम माइनस एक्स और बजट घाटा ये है, जितना का अंतर रहेगा उतना ही इन्वेस्टमेंट सेविंग से अधिक रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट सेविंग से अधिक तभी रहेगा ना जब कर्ज लेके हम पूंजी लगा रहे हैं, क्या है कि बचत मेरा कम है, निवेश हम ज्यादा कर रहे हैं, है ना, तो इस अंतर के बराबर रहेगा। अब अगला इसी में है कि सरकारी बजट घाटा जी माइनस टी जमा व्यापार आधिक्य एक्स माइनस एम के बराबर है। सरकारी बजट घाटा जी माइनस टी, सरकारी बजट घाटा जी माइनस टी जमा व्यापार एम माइनस जो है जमा व्यापार आधिक्य एक्स माइनस एम के बराबर है। या साथ से हम ये भी कह सकते हैं कि एस माइनस आई यानी बचत आधिक्य है माइनस एक्स माइनस एम बराबर जी माइनस टी, अर्थात व्यापार घाटा यदि बचत अधिक है, देखिए बचत अधिक को मैंने दर्शाया है, तो बचत अधिक है एस माइनस आई के मामले में जितना कम हो बजट घाटा को उतना ही कम करेगा, है ना। तात्पर्य यह है कि शुद्ध निर्यात बजट घाटे को तब कम करेगा जब वह धनात्मक हो, ये एक्स माइनस एम अगर धनात्मक आता है तो बजट घाटा कम जाएगा क्योंकि इसमें से यह घटेगा, अगर ये ऋणात्मक आता है तो बजट घाटा बढ़ जाएगा। अब इसको इस रूप में इसको और आगे देखिएगा, यदि निवेश अधिक हो तो आई माइनस एस जी तो धनात्मक होगा, व्यापार घाटा उतना ही बढ़ेगा, जैसे आई माइनस एस प्लस जी माइनस टी बराबर एम माइनस एक्स हो जाएगा, है ना। अब इसका एक उदाहरण से हमने यहां दे दिया है, इस उदाहरण को समझिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसको देखें, जैसे आई माइनस एस 3000 करोड़ है और जी माइनस टी 2500 करोड़ है, तो आई माइनस एस प्लस जी माइनस टी बराबर एम माइनस एक्स लिए, तो जब हम जी माइनस टी 2500 करोड़ दिए, ठीक है, माइनस 2500 करोड़ है व्यापार घाटा या जो है बजट घाटा ये सरकारी घाटा, तो ये माइनस 2500 है, तो इसको हम यहां डाले तो ये क्या आ जा रहा है, एम माइनस एक्स 500 रुपया। अब ये ध्यान दीजिए कि अगर ये पॉजिटिव होता तो ये व्यापार घाटा को और बढ़ा देता ना, क्योंकि प्लस हो जाता है ना। तो ये अब आपका चैप्टर यहां पर समाप्त हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें नीचे लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न के जितने भी आंसर हैं वो आपके बड़े प्रश्न के नीचे है, बड़े प्रश्न में ही पॉइंट के रूप में है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक हम आपको दिखा देते हैं, उसके अनुसार आप ढूंढ लीजिएगा, राष्ट्रीय आय के माप की कितनी विधियां हैं, ठीक है, इस प्रश्न को हम लेते हैं। तो हमने आप यहां देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर हमने दे दिया है कि राष्ट्रीय आय के माप की कितनी विधियां हैं, उसमें आपका पॉइंट वाइज मिल जाएगा। ये देखिए राष्ट्रीय आय की माप की कौन कौन सी विधियां हैं, ऊपर है ना, तो कितनी विधियां हैं, तो सिर्फ आपको उसमें लघु उत्तरीय में जब आएगा तो आपको ये नहीं लिखना है, बस ये ऊपर वाला पार्ट लिखना है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक हम उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। अगर ये आता है कि राष्ट्रीय आय की माप की दीर्घ उत्तरीय में, कि राष्ट्रीय आय की माप की कौन कौन सी विधियां हैं दीर्घ उत्तरीय में आता है, तो फिर तीनों विधि को अलग अलग समझा दीजिए। लघु उत्तरीय में आपका यह भी आ सकता है कि आय विधि किसको कहते हैं, तो सिर्फ आय विधि उठाइए, है ना, व्यय विधि किसको कहते हैं, तो व्यय विधि को समझाइए। तो इसमें एक दीर्घ उत्तरीय के अंदर कई लघु उत्तरीय हैं, तो मैंने सारे लघु उत्तरीय को दे दिए हैं। इसके अलावा 20-25 हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए हैं आपको, जो उससे ज्यादा प्रश्न में नहीं आएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। और यह सब का आंसर आपका ऑब्जेक्टिव का नीचे है, इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से, ये चैप्टर जो है इसको हमने
क्या किया था कि दूसरा और तीसरा चैप्टर और तीसरा और चौथा चैप्टर यानी तीन चैप्टर को मिला के मैंने दो चैप्टर बनाया, चूंकि क्रैश कोर्स है तो इसमें थोड़ा हमको मुख्य पॉइंट जो आपको एग्जाम में आने लायक है उसको देखना था, तो डेढ़ डेढ़ चैप्टर हमने सम्मिलित किया है, जिसके कारण क्वेश्चन की संख्या यहां कुछ ज्यादा आ रही है, 26 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इन सारे का इससे ज्यादा आपको नहीं आएगा, मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि इससे ज्यादा नहीं आएगा, ये 26 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का इसमें से तैयार रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, अगले क्लास के लिए धन्यवाद।